अपने मोबाइल पर रेड बटन को क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजना और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ठंड के दिन में बनने वाली बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आपके लिए मिक्स वेजिटेबल तहरी की रेसिपी लेकर आई हूं। तो इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्लीज अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं किचन, बताते हैं कैसे बनती है ये वन पॉट डिश। इसे आप वेजिटेबल पुलाव भी कह सकते हैं और मिक्स वेजिटेबल तहरी। तो देखिए, ये हमारी मिक्स वेजिटेबल तहरी बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खिली खिली बनी है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स है इस तरह के तहरी बनाने में, तो मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर फॉलो कीजिएगा फ्रेंड्स। इसे मैं पेस्ट कर रही हूँ पापड़, रायता और धनिया की चटनी के साथ। आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। तो आप इसे बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को चलिए देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ कैसे बनती है। बहुत ही स्वादिष्ट है ये वन पॉट डिश है। एक बार में एक ही पॉट में बनकर रेडी हो जाती है, इसे बनाने में समय भी नहीं लगता है। तो चलिए देखिए मेरी वीडियो को। तो देखिए, मिक्स वेजिटेबल तहरी बनाने के लिए 2 चम्मच तेल हमने एक नॉनस्टिक कढ़ाई में डाल दी है, 2 बड़े चम्मच तेल है। और ये हमने एक मीडियम साइज के फूल गोभी को इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो ऑयल हमारी गर्म हो गई, इसमें हम एक गोभी डाल देंगे। चार मीडियम साइज के आलू को हमने मोटी मोटी टुकड़ों में चॉप कर लिया है इस तरह का, इसे भी साथ में डाल देंगे। और दोनों को हम 5 मिनट तक ऊपर गोल्डन लेयर आने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए, आलू और गोभी को हमने फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें ब्राउन ब्राउन लेयर जैसी बन गई है। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू गोभी को हमने भून कर निकाल लिया है और इसे वन पॉट रेसिपी भी बोला जाता है क्योंकि ये एक ही बर्तन में बन जाएगी। तो जो तेल बचे थे उसी में हम इसे डाल देंगे 2 से 3 तेजपत्ते, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंग और ये थोड़ी सी दालचीनी की स्टिक, 1 टीस्पून जीरा। तो जीरा हमारी चटक चुकी है, इसमें 1 मीडियम साइज के प्याज को हमने इस तरह से कट कर लिया है, इसे डाल देंगे। और गाजर हमने ली है, 1 बड़े साइज के गाजर को मोटी मोटी चॉप कर ली, इसे डाल देंगे। शिमला मिर्च और धनिया पत्ती अभी हम नहीं डालेंगे, भून लेते हैं हल्का सा। प्याज और गाजर को हमने 1 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये शिमला मिर्च और ये 1/2 कप हमने मटर के दाने लिए, ये फ्रेश मटर है। यदि आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद ऐड कीजिएगा, मैं अभी साथ में ही ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा हम इसे भी भून लेंगे लगभग 1 मिनट। 1 मिनट मैंने मटर और शिमला मिर्च को भून लिया है। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर लिया है, इसे चॉप कर लिया है मोटे मोटे टुकड़ों में, डाल देंगे हम। 2 हरी मिर्च को हमने बीच से चीरा लगा लिया है, डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं डाल दूंगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि क्वांटिटी है इसकी 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट हम इसे भून लेते हैं। तो सारी सब्जियों को हमने 1 मिनट और भून लिया है। अब यहाँ पर मैं डाल दूंगी सूखे मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च में डाल रहे हैं, ज्यादा तीखी नहीं होती है।
1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून में काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दे रही हूँ। उसमें सारे मसाले को मिक्स करके थोड़ी सी हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे भून लेते हैं। मसाले हमारे भून चुके हैं, 1 मिनट हमने भून लिया है। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, मिक्स कर लेंगे। तो सारी सब्जियां हमारी भून गई है, इसमें मैं डाल दूंगी ये आलू और गोभी जिसे हमने फ्राई करके रखा है। मिक्स कर लेंगे इसे मसालों के साथ। दो कप हमने बासमती चावल लिया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चावल है ये, अच्छी क्वालिटी की चावल ही लीजिए इसमें। और इसे हमने आधे घंटे अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे तक हमने पानी में डुबो कर रखा था। पानी में भिंगो कर रखने से राइस बहुत ही अच्छी खिली खिली बनती है। तो ये बासमती राइस 2 कप इसमें डाल देंगे। अब इस चावल को भी इसमें साथ में मिक्स करके हम भून लेंगे। इसे आप वेजिटेबल पुलाव भी बोल सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल पुलाव भी बोल सकते हैं, 1 पॉट डिश भी बोल सकते हैं और मिक्स तहरी भी बोल सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर देते हैं और इसमें मैं डाल दूंगी 4 कप पानी। 2 कप हमारा चावल है तो ठीक उसका डबल पानी आप डालिएगा, आपकी जितनी चावल हो ठीक उसकी डबल पानी एकदम माप कर डालिएगा। तो देखिए इसमें हमने 4 कप पानी ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे 10 से 15 मिनट पकने देते हैं। इस तरह से ढक्कन लगाकर 15 से 10 मिनट पका लेते हैं। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो गैस को हम कर देते हैं ऑफ। देखिए कितनी अच्छी बनी है, सिर्फ 10 मिनट का समय लगा है। और इसे इसमें मैं कुछ चीजें और ऐड कर देती हूँ। वन टेबल स्पून ये देसी घी ऐसे ऊपर से सर्व करने के पहले जरूर डालिएगा, यदि आप खाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती इस तरह से गार्निशिंग कर दीजिए और इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं या ऐसे भी बहुत ही अच्छी लगती है। और चाहे आप इसके साथ रायता, पापड़, धनिया की चटनी जिसके साथ भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आप इसे खाइए, बनाइए, खाइए और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और अपनी फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।